लेट्स स्टार्ट आवर क्लास सिक्स सब्जेक्ट इंग्लिश टेक्स्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर फाइव में अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल, इसमें आपको पेज पैराग्राफ नंबर 8 तक एक्सप्लेन कर दिया था, और आज हम आपको पैराग्राफ नंबर 9 से एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, यह हमारी एजुकेशन सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रेन अप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंडिंग मिसफॉर्च्यून, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू। अपने चिल्ड्रेन को अप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम उन्हें इस दुर्भाग्य में पार्ट लेने के लिए रेडी करते हैं। ईच टर्न एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डीप डे एंड वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। प्रत्येक चाइल्ड के लिए, एवरी चाइल्ड के लिए वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डीप डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली देयर एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन दियर ऑनर नॉट टू पीप। और ब्लाइंड डे के दिन इनके आइज पे बैंडेज लगा दी जाती है और ये फैथफुली पीप नहीं करते हैं, फैथफुली उससे बाहर नहीं देखते हैं, नहीं झांकते हैं। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वेक ब्लाइंड, इनके आइज पे रात में ही बैंडेज लगा दी जाती है जिससे कि ये ब्लाइंड ही उठते हैं। दिस मीन्स डैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, अदर चिल्ड्रेन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, दे आर लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। इसका मीन्स है कि उन्हें एवरीथिंग, किसी भी वर्क के लिए हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, अदर चिल्ड्रेन को हेल्प करने और उनका ड्यूटी करने का वर्क दे दिया जाता है, वे ब्लाइंड और उनकी हेल्प करने वाले दोनों इस तरीके से बहुत कुछ सीख जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 10, देयर इज नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीम्स कॉन्टिन्यूड, एवरी वन इज वेरी काइंड एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम, बिफोर द डे इज ओवर दाउ इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्च्यून इज। इसमें काइंड होने वाली बात नहीं है। मिस बीम ने कहना स्टार्ट किया, कॉन्टिन्यू रखा, उन्होंने कहा एवरी चाइल्ड बहुत काइंड है और यह तो एक्चुअली में एक गेम है। डे ओवर होने से पहले सबसे अधिक थॉटलेस चाइल्ड भी यह रियलाइज करता है कि मिसफॉर्च्यून क्या होती है। पैराग्राफ नंबर 11, द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रेन टेल मी डैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट, वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रेंस माउथ सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज दियर विल पावर, कम इन टू द गार्डन एंड सी योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रेन फील अबाउट इट। अफकोर्स ब्लाइंड डे वाला दिन सबसे ब्रस्ट होगा, बट सम चाइल्ड, कुछ चाइल्ड कहते हैं कि डम डे वाला दिन अधिक डिफ़िकल्ट होता है। हम चाइल्ड्स के माउथ पे बैंडेज नहीं लगा सकते, सो उन्हें एक्चुअली में अपनी विल पावर का यूज करना पड़ता है। गार्डन में चलें और आप खुद देखें कि चिल्ड्रेन इस विषय में क्या फील करते हैं। पैराग्राफ नंबर 12, मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स, हियर्स अ जेंटलमैन, जेंटलमैन कम टू टॉक यू सेड मिस बीम्स एंड लेफ्ट अस। मिस बीम मुझे एक बैंडेज बंधी हुई गर्ल के पास ले गई, ये जेंटलमैन तुमसे मिलने आए हैं, मिस बीम ने कहा और मुझे छोड़कर चली गई।
Paragraph 13. Don't you ever peep? I asked the girl. Oh no, she exclaimed. That would be cheating, but I had no idea. It was so awful to be blind. मैंने उस गर्ल से पूछा, क्या तुम कभी पिप नहीं करती? क्या तुम कभी इस बैंडेज से बाहर नहीं झाँकती? ओ नहीं, उसने एक्सक्लेम्ड होकर कहा, वह तो चीटिंग होगा। बट मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ब्लाइंड होना इतना अवेफुल होगा। यू कैन नॉट सी अ थिंग, आप किसी थिंग्स को नहीं देख सकती। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। कि आप ऑल टाइम किसी थिंग से टकराने वाली हैं, आप ऐसा फील करती होंगी कि आप हर टाइम किसी थिंग से क्या करने वाली हैं, टकराने वाली हैं, बस सिट डाउन हो जाना ही बहुत रिलीफ देता है। क्या आपकी हेल्प करने वाले आपके प्रति काइंड हैं? मैंने पूछा, आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू? मैंने पूछा कि क्या आपका हेल्प करने वाले आपके प्रति काइंड हैं? पैराग्राफ नंबर 14, फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न। दोज डैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। इट्स परफेक्टली गैस्टली नॉट टू सी। आई विश यू एंड ट्राई यू आर ट्राई शैल आई लीड यू एवरीवेयर आई आस्क्ड। बिल्कुल, बट वे इतने केयरफुल नहीं जितनी मैं उस टाइम हो जाऊंगी जब मेरा टर्न आएगा। जब पहले ही ब्लाइंड होना फील कर चुके हैं वही सबसे बेस्ट हेल्पर हैं। देख पाने में परफेक्ट ना होना घैस्टली मतलब कि भयानक लगता है। मेरी विश है कि आप भी यह ट्राई करें। मैंने पूछा, क्या तुम्हें कहीं ले चलूं? पैराग्राफ नंबर 15, ओ यस सी सैड। ओ हाँ, उसने कहा, लेट्स गो फॉर लिटिल वॉक। आओ थोड़ी देर वॉक करें। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आप मुझे ओनली थिंग्स के बारे में बताते रहना। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, मैं बहुत हैप्पी रहूँगी जब आज का डे एंड होगा, ओवर हो जाएगा। द अदर बैड डे कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस, अदर बैड डे इस दिन से हाफ बैड भी नहीं हो सकता। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हुपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन आई गेस। वन लेग को टाइट करके क्रच की हेल्प से हुपिंग करना ऑलमोस्ट फनी होता है, मैं गेस करती हूँ। हैविंग अ आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम बिकॉज यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक डैट। आई डोंट थिंक आई विल माइंड वेइंग डीप फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच, बट बीइंग ब्लाइंड इज सो frightening, my head aches all the time just from worrying that I will get hurt. Where are we now? One arm का बंधा होना कुछ ज़्यादा difficult होता है क्योंकि आप किसी की help के बिना eat नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह other बातें भी, मेरा think है कि वन डे के लिए डीप होने में कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कम से कम बहुत ज़्यादा नहीं। बट ब्लाइंड बनना फ्राइटेनिंग लगता है, डरावना लगता है। मेरे सर में इसी चिंता से ऑल टाइम पेन होता है कि मुझे कहीं चोट न लग जाए। अब वह पूछती है कि अब हम लोग कहाँ हैं। पैराग्राफ नंबर 16, इन द प्लेग्राउंड आई सेड, मैंने कहा, अब हम लोग कहाँ पे हैं? प्ले ग्राउंड में हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, अब हम लोग होम की ओर जा रहे हैं। मिस बीम्स
is walking up and down the garden with a tall girl. और मिस बीम एक टाल गर्ल के साथ गार्डन में यहाँ वहाँ वॉक कर रही हैं. वाट इज अ गर्ल वियरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क. मेरे लिटिल फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि उस गर्ल ने क्या पहन रखा है. अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज. मैंने कहा उसने ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज पहन रखा है. आई थिंक इट्स मिली. तो उसने कहा आई थिंक यह मिली होगी. सी सेड व्हाट कलर इज हर हेयर. और उसने पूछा कि उसके हेयर का कलर कैसा है. वेरी लाइट, आई सेड. मैंने कहा बहुत ही लाइट, बहुत हल्का है. यस डैट्स मिली. उसने कहा हाँ यह मिली है. सीज द हेड गर्ल, यह हेड गर्ल है. देयर्स एन ओल्ड मैन ट्राइंग अप रोज, आई सेड. मैंने कहा कि एक ओल्ड मैन रोज को बांध रहा है. यस डैट्स पीटर. उसने कहा हाँ वह पीटर है. हीज द गार्डेनर, वह गार्डेनर है. हीज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, और वह उसकी एज हंड्रेड से भी अधिक हो गई है. एंड देयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, सीज ऑन क्रच्स. और कर्ल हेयर वाली गर्ल इसी साइड आ रही है, वह क्रच के सहारे है. डेट्स अनीता, सी सेड. उसने कहा वह अनीता है. पैराग्राफ नंबर 17. एंड सो वी वॉक्ड ऑन. ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड डैट आई वॉज 10 times मोर थॉटफुल देन आई ईवर थॉट आई कुड बी. और इस तरह हम वॉक करते रहें ग्रेजुअली, धीरे धीरे. मैंने यह जाना कि थॉटफुल कभी भी बना जा सकता है. मैं उससे 10 गुना अधिक थॉटफुल बन गया था. आई ऑल्सो रियलाइज डैट इफ हैड टू डिस्क्राइब पीपुल एंड थिंग्स टू समवन इज इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी. व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव आई टोल्ड मिस बीम डैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो. सी रिप्लाइड देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल. मैंने यह रियलाइज किया कि यदि मुझे किसी दूसरे के समक्ष पीपुल या थिंग्स को डिस्क्राइब करना पड़े तो यह उनको मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा. जब मैं फाइनली मुझे चलना पड़ा, जब मैं वहाँ से फाइनली जाने लगा तो मैंने मिस बीम को बताया कि जाते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है. अच्छा, उसने रिप्लाई किया उन्होंने कि अच्छा तो अधिक मेरे सिस्टम में कुछ तो ऐसी स्पेशल बात है. उन्होंने कहा, जो मिस बीम थी उन्होंने कहा कि मेरे एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो ऐसी स्पेशल बात है. तो ई बी ल्यूकस ने इस स्टोरी में यही बताया है कि एक डिफरेंट काइंड के स्कूल के बारे में बताया है जहाँ पे हर स्टूडेंट्स को एक लेम डे, एक डीप डे, इंजर्ड डे और डम डे को क्या करना पड़ता है, डम डे का रोल क्या करना पड़ता है, उनको प्ले करना पड़ता है. और इन सारी डिफ़िकल्टीज के साथ वो लोग सीखते हैं कि हमें कैसे रहना है. अगर मान लीजिए हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम कैसे रहेंगे. इस तरह हुआ, इस रोल को प्ले करके सीख जाते हैं, बहुत कुछ सीख जाते हैं. तो आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर हो रहा है. थैंक यू.